गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आपका जो वीडियो में बात की थी वो था पेज नंबर 75 पे वेब फीड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज जो हमको डिस्कस करना है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जो आपका डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है एंड प्रोसेस किया जाता है एक रिमोट सर्वर पे, जो कि आपका इंटरनेट पर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग जो लोकल सर्वर होता है उसके छोड़ उधर हम किसी इंटरनेट पे ये चीज़ें शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में, यहाँ पे कलेक्शन होता है बहुत ही सारे सर्वर्स का एक पूरे वैन पे, एक बहुत ही बड़े नेटवर्क पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स का कलेक्शन होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटर्स में बहुत ही सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है, एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं एंड बहुत ही सारी चीज़ें। क्लाउड से क्या मतलब होता है, क्लाउड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरनेट पर कोई भी जो डेटा पड़ा हुआ है वो सभी क्लाउड पर है, वो हर एक चीज़ कहीं भी क्लाउड पर सेव्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं क्लाउड से, वहाँ से बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हम क्लाउड कंप्यूटिंग से डायरेक्ट उस फाइल को या उस डेटा को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग जो होती है ये भी खेल सकते हैं, ई टिकट बुक करते हैं, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर सर्वर नहीं चाहिए होता, वो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से ये सब कर सकते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स वो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन हैं आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग की जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखते हैं, उनमें से कॉमन चीज़ें कुछ देखिए, नीचे लिखी हुई हैं आपकी, स्टार्ट करते हैं उनमें बताना फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक है गूगल डॉक्स अलाउज यू टू ओपन MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर देम विथ अदर्स ऑन इंटरनेट। गूगल डॉक्स जो है स्टूडेंट्स वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर आपके फ़ोन में होगा प्री इंस्टॉल्ड, ये एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो डेटा होता है वो MS ऑफिस की डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता है एंड उनको इंटरनेट पर किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस एंड यूट्यूब आपको अलाउ करती हैं म्यूज़िक शेयर करने को, वीडियोस, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब जो हैं स्टूडेंट्स ये आपको शेयर करने में हेल्प करती हैं। फेसबुक है, फेसबुक पे आप म्यूज़िक शेयर कर सकते हो, वीडियोस शेयर कर सकते हो, मैसेजेस शेयर कर सकते हो, कोई पोस्ट हुई है, कोई पिक हुई है, कोई इमेज है आप उसको शेयर कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है, वेबसाइट्स लाइक पिकासा एंड फ्लिकर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट ऑनलाइन फ़ोटो एल्बम, तो यहाँ से आप ऑनलाइन फ़ोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं। वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज, वेब बेस्ड कुछ ईमेल सर्विसेज होती हैं जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, इन सभी का यूज़ हम लोग करते हैं ईमेल सर्विसेज का, ये भी आपका जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में ही आता है। इसके अलावा बहुत सारे दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ये आपकी ऑनलाइन सर्विस है, ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करा सकती है, डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। थिंक फ्री जो है स्टूडेंट्स वो आपको अदर प्रोग्राम्स हैं थिंक फ्री जो है वो आपका एक है जो आपका ऑफिस प्रोग्राम्स को बिना इंस्टॉल किए भी आप उनका यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद है स्टूडेंट्स मोजी ड्रॉप बॉक्स और बैकअप सर्विसेज। ये क्या है स्टूडेंट्स? बैकअप सर्विसेज हैं जिनका यूज़ किया जाता है आपका क्लाउड स्टोरेज बैकअप सोल्यूशन बनाने में। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका वो प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशंस। ये सोल्यूशंस जो है वो आपका कंपनीज को सर्विसेज को अपने खुद के क्लाउड पे रन करने में हेल्प करती है। मतलब क्या है, उनका खुद का जो सर्वर है आप उसको इस पर यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं एंड बाकी सब जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपने बहुत सारों को देखा होगा, बहुत सारों के बारे में आप जानते होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में बस इतना ही है, जो भी चीज़ आपको इंटरनेट पर देखने को मिलती है उसका 99.9% हिस्सा क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही जाता है। 99 के स्टूडेंट्स 100% भी कहें तो भी कम है, पूरा 100% हिस्सा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग ही होता है जितना भी आपका इंटरनेट पर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना देखते हैं, ये होती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग।